बॉयकॉट भी करते हैं लेकिन फिर रियलाइज किया कि उसकी मूवीज देखते ही कहां है। इतनी पार्टी हॉपिंग तो वेस्ट दिल्ली का रोहन नहीं कर रहा जितनी आजकल नीतीश भाई बिहार में कर ले रहा है। सिर्फ राम मंदिर के बारे में बात हो रही थी, कहीं भी कोई दूसरा टॉपिक नहीं दिखाया जा रहा। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज आर्थिक एंड यू वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, मंदिर वहीं बनाएंगे के बाद अब ये नारा है जो अब आके जाके आपको सुनाई देगा। और वो इसलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कर रहा था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक देता हूं राम मंदिर इवेंट का। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह, मोदी जी की स्पीच, रामलला इन अयोध्या, वो दिन जिसे आज तक सब सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्सेप्ट मे बी आयुष्मान खुराना, वो बेचारा रिग्रेट कर रहा है। क्या हुई, एक एंटी मोदी पोस्ट क्या लाइक किया, लोगों ने रोडी बना दिया उसका। एक कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल हुआ जिसमें आयुष्मान खुराना दिल दिल पाकिस्तान गा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तानियों का वंदे मातरम समझ लो उसको। उसको गा रहे हैं और उसको काफी ज्यादा वायरल किया गया कि देखो भाई ये कितना देशद्रोही आदमी है, दिल दिल पाकिस्तान गाना गा रहा है, तू जा पाकिस्तानी चला जा वहां पे। बॉयकॉट भी करते लेकिन फिर रियलाइज किया कि उसकी मूवीज देखते ही कहां है। क्या करूं यार, मैं टूट गया यार मैं तो। खैर थोड़ा फैक्ट चेक सुन लो, ये वीडियो अभी का नहीं है, ये 2017 का है, दुबई में कॉन्सर्ट में उन्होंने गाया हुआ था। आतिफ असलम भी साथ में थे और उसमें कई सारे जो साउथ एशियन देश हैं उन सब के गाने गाए गए थे। इंडिया का चक दे इंडिया भी गाया गया था, पाकिस्तान का दिल दिल पाकिस्तान गाया गया था। तो वीडियो का एक कॉन्टेक्स्ट था, ऐसे वीडियो की एक क्लिप वायरल करके किसी को ऐसे देशद्रोही नहीं बोल सकते। अच्छा बोल सकते हो, सॉरी। खैर बॉलीवुड तो बॉयकॉट होती रहती है, ये आप काफी नॉर्मल है, लेकिन एक चीज के बारे में और सुन लो जो अभी रिसेंटली नॉर्मलाइज हो गया है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक बात थी जो पिछले संडे शो में बोलनी थी बट उस टाइम क्योंकि इतना सेलिब्रेशन का माहौल था तो मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था, मैंने कहा चलो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। बात है 22 जनवरी की जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था और आप उस दिन अगर टीवी खोलो तो आपको टीवी पे सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात दिखेगी, बाकी किसी भी न्यूज चैनल पे कोई दूसरा टॉपिक गायब ही कर दिया गया था। हर जगह सिर्फ राम मंदिर, अयोध्या, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश में सिर्फ एक ही शहर है और एक ही जगह है, बाकी सारे मुद्दे गायब कर दिए गए। कोई सा भी न्यूज चैनल ले लो, आज तक, NDTV, News18, News24, India TV, TV9, कहीं भी सिर्फ राम मंदिर के बारे में बात हो रही थी, कहीं भी कोई दूसरा टॉपिक नहीं दिखाया जा रहा था। और ये जानना और समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एज न्यूज चैनल्स इनकी जो प्राइमरी ड्यूटी है वो है जनता के मुद्दे दिखाना, न्यूज दिखाना। मान सकते हैं कि एक दिन कोई बड़ा इवेंट है तो आप उस पर मेन कवरेज रखो, लेकिन कोई एक स्टोरी तो दूसरी दिखाओ, 3-4 दिन बस सेम टॉपिक चलाना। अरे टिकर में ही कोई जनता के मुद्दे चला दो कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ बाढ़ आई, बड़ी खबर दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या, फिर सरकार के दबाव में आके मीडिया की मौत, दिखा सकते हो क्या? सॉरी पार्ट टू, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। खैर जहां अयोध्या में राम मंदिर का इवेंट चल रहा है वहीं आपको पता होगा कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं मेघालय टू मुंबई, और वो उस टाइम पे थे असम में, जहां पर असम में एक मंदिर में जा रहे थे और 22 जनवरी को उनको उस मंदिर में जाने से रोक दिया गया, तो भाई साहब बाहर ही धरने पर बैठ गए। अब वो तो ठीक है, मजे की बात यह है कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी राम मंदिर पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है द पॉट कॉल्स द केटल ब्लैक, ये तो वैसे ही हो गया जैसे अडानी हिंडनबर्ग की बैलेंस शीट पे सवाल उठाए, या एपी ढिल्लो सोनू निगम को ऑटो ट्यूनर बोले, या नीतीश कुमार मोदी जी को पलटू बोले। हाँ, इनका एक अलग केस चल रहा है, अब इनको दोबारा से पार्टी बदलनी है। खबर है कि नीतीश चाचा को फिर से अलायंस छोड़ के बीजेपी के साथ शामिल होना है। इतनी पार्टी हॉपिंग तो वेस्ट दिल्ली का रोहन नहीं कर रहा जितनी आजकल नीतीश भाई बिहार में कर ले रहे। कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो कभी उसमें, ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा। अगली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई स्पोर्ट्स से, जहां पर फॉर्मर पाकिस्तानी प्लेयर जो इस टाइम पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, हाल ही में अपने पत्नी सानिया मिर्जा के साथ डिवोर्स हुआ, उसके कारण वो हेडलाइन में है, शोएब मलिक, उनका बांग्लादेश प्रीमियर लीग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। कैंसल, कैंसल, कैंसल। और ये हुआ क्यों? क्योंकि इनकी नो बॉल्स डालते हुए एक क्लिप वायरल हुई, पूरा किस्सा बताता हूँ क्या था। खुलना टाइगर से मैच हो रहा था, इवन लुइस स्ट्राइक पे थे, और शोएब मलिक बॉलिंग करते हुए लगातार 3 नो बॉल्स डाल देते हैं, जिसके बाद इन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, एक इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म कर दिया गया। हनीमून फंड करने का तरीका थोड़ा केजुअल है। अब अगर आप क्रिकेट ज्यादा फॉलो नहीं करते तो आप ये बोलोगे कि अरे भाई क्या हुआ, खेल है, हो जाता है। नहीं, क्रिकेट में एक स्पिन बॉलर एक ही ओवर में 3 नो बॉल फेंक दे, ये वैसे ही है कि आप ड्राइविंग करते वक्त एक लेन में 3 बार एक्सीडेंट कर दो, फिर या तो आपको ड्राइविंग नहीं आती या आपने सामने वाले की सुपारी ले रखी है।
एंड दूसरा सबसे बड़ा हिंट था तीसरी बॉल पे नॉन स्ट्राइकर का स्टांस। वो भाई पीछे ऐसे खड़ा हुआ था जैसे शादी में रसगुल्ले लेने खड़ा हो, उसका स्ट्राइक रोटेट करने का मन ही नहीं था। तीसरी नोवल को देखने के लिए वो क्रीज के इतने पीछे खड़ा था कि अश्विन भाई भी उसको मैन कार्ड नहीं कर पाते, उसको रन लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो ऐसे खड़ा है जैसे अपने साले की शादी में आया हो। एंड इस हफ्ते की चटपटी खबर इज कि बिग बॉस का फाइनल होने जा रहा है। एंड आई नो आप में से कई लोग बिग बॉस नहीं देखते हैं, कई लोग उसको लो क्वालिटी कंटेंट समझते हैं, बट सच यही है कि वो इंडिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला रियलिटी शो है। गल्प लेट डाउन 21 कॉन्टेस्टेंट्स के साथ इस साल का सीजन शुरू हुआ था, जिसके फाइनल में पहुंचे हैं कॉमेडियन मुनावर फारूकी, अंकिता लोखंडे, अरुण, मनारा चोपड़ा एंड अभिषेक कुमार। और इस साल का बिग बॉस का सीजन ना कई मायनों में यूनिक था, या कहें तो डिसअपॉइंटिंग था। अच्छा, तो वो बिग बॉस ना वॉयरिज्म का सबसे बढ़िया नजारा है, सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, बिग ब्रदर करके कहीं और चलता है, कहीं साउथ अमेरिका के भी देशों में चलता है, नॉर्थ अमेरिका में भी चलता है, यूरोप में भी चलता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये एक अच्छा ट्रेंड है कि कुछ लोगों को, कुछ अपने जैसे दिखने वाले इंसान को, बस थोड़े से लेवल पे सेलिब्रिटीज, उनको एक घर में बंद कर दो और फिर उनकी डेली लाइफस्टाइल में क्या चल रहा है, वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, उनकी कलेश, उस पर हम नजर डालेंगे। कई साल पहले अंग्रेजी में एक मूवी आई थी हंगर गेम्स, ऐसे ही उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट था। एंड इस वाले सीजन में देखा गया कि कैसे एक कंटेस्टेंट की पर्सनल लाइफ को उठा के पब्लिक डोमेन में लाया गया, उसके कंटेंट बनाया गया, उसके बारे में बात हुई, गॉसिप की गई, वो देख के उतना अच्छा नहीं लगता। और आजकल ये भी हो गया है कि अब तो लाइव दिखाया जाने लगा है कि आप खड़े खड़े यहाँ पे लाइव देख सकते हो कि दूसरे किसी के घर में कैसा चल रहा है, उसकी जिंदगी में कितना छीछल इधर हो रहा है। तो ह्यूमन मेंटेलिटी है, माइंडसेट है। एनीवे, खैर बिग बॉस आजकल ट्रेंड कर रहा है, अब फाइनल भी आने वाला है, तो आप अगर देखते हैं तो नीचे हैशटैग बिग बॉस कमेंट करके बताओ कि कौन जीतेगा, और अगर नहीं देखते हो तो ये बताओ कि भाई क्यों नहीं देखते हो, मुझे तो एंगेजमेंट चाहिए, थोड़ा एंगेजमेंट तो मैं भी डिजर्व करता हूं। अच्छा, सॉरी फॉर ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, भैया तुम लोग संडे भारत जर्नी फॉलो नहीं कर रहे हो क्या? कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भैया आप भी ऐसी कोई ट्रिप पे निकले हो, पता नहीं है। तो गाइज आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, न्यूज कहीं नहीं जा रही, रुक जाओ पहले सुन लो मेरी बात। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हम लोग निकले हैं संडे भारत प्रोजेक्ट पर, विच इज अ जर्नी टू अंडरस्टैंड इंडिया। हम लोग 24 स्टेट्स इंडिया के कवर कर रहे हैं बिफोर 2024 इलेक्शंस। हर स्टेट में जाके एक यूनिक स्टोरी कवर करके आप तक लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात के सोमनाथ में हमने वहां के मछुआरों से बात की, उनके बारे में समझा। भावनगर गए तो वहां पर एक सॉल्ट फार्म देखा, नमक की खेती कैसे होती है वो समझा। फिर अहमदाबाद में लोगों से गुजरात मॉडल के बारे में समझा। राजस्थान में गए तो वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में समझा। और नागपुर में जाके आरएसएस के गढ़ में राम मंदिर रैली कवर की। और ऐसी ही और यूनिक स्टोरीज इंडिया के अलग अलग कोने से हम ला रहे हैं संडे भारत जर्नी में, तो प्लीज उनको फॉलो करो। ये सारी वीडियोस अगर आप देखना चाहो तो बहुत मजा आएगा, आप संडे शो खत्म होने के बाद इनमें से देख सकते हो। इन सारी वीडियो का थंबनेल मैं यहां पे लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जिसको आप जाके चेक कर सकते हो। भारत के अलग अलग कोने के यूनिक इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूं इन संडे भारत अ जर्नी टू अंडरस्टैंड इंडिया। तो भाई रोड पे निकला है, सपोर्ट करो वरना सड़क पे आ जाएगा। अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। ज्ञानवापी मामले में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आ गई है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल ये मुद्दा काफी ज्यादा उठा था, जिसके बाद अगस्त के महीने में पूरा ऐसा बैरिकेडिंग करके एक महीने तक ASI की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया था, साइंटिफिक सर्वे, ये पता लगाने के लिए कि उस जगह मंदिर थी या मस्जिद थी। ASI ने सर्वे के बाद एक 800 पेज की रिपोर्ट बनाई, दिसंबर महीने में उसे सील कवर में कोर्ट को दिया और कोर्ट ने फिर दोनों पक्षों को दिया, जिन्होंने बाद में मीडिया में उसको पब्लिक कर दिया। बेसिक डिटेल्स 830 पेज की रिपोर्ट में ASI ने बताया है कि जहां पे अभी मस्जिद है वहां पे सालों पहले एक प्राचीन मंदिर था और उसी को लेकर कुछ मूर्तियों की इमेजेस भी है जो उन्होंने रिपोर्ट में अटेस्ट की है। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ, गणेश जी की मूर्ति निकली है, शिवलिंग निकला है और भी कई सारी देवी देवताओं की आकृतियां निकली है। द रिपोर्ट सेड एंड आई कोट, इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेंपल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। 34 inscription on the existing and pre-existing structure and 32 estampages were taken. These are, in fact, inscription on the stones of the pre-existing Hindu temple. अब देखो ज्ञानवापी परिसर में पहले मंदिर था या नहीं था, इसका जवाब आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगा, बट उसके लिए आपको एक बार बनारस जाना पड़ेगा और वहां जाके जब आप देखोगे तो आपको जवाब बहुत क्लियर मिल जाएगा। प्रत्यक्ष ही प्रमाण है कि ज्ञानवापी मंदिर तोड़ के ही बनी थी। और इस बात को यही सेटल कर देते हैं कि सिर्फ एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो मुगल रूलर्स ने तोड़े थे। और हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। पहले ऐसे होता था जब युद्ध होते थे और जब कोई युद्ध जीत जाता था तो जहां पे वो जीता है वहां अपना नया साम्राज्य बनाता था, अपने रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस वहां चालू करता था। मुगल उन्होंने ऐसा कई बार किया, अकबर थोड़ा डाइल्यूट था और औरंगजेब थोड़ा कट्टर था। और अगर आप इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री देखोगे तो आपको दिखेगा कि दोनों लीडर्स को कैसे स्टडी किया जाता है। पाकिस्तान में औरंगजेब को बहुत ऊंचा दिखाया जाता है, अकबर की बहुत बेइज्जती की जाती है, इंडिया में उल्टा है।
तो ये हिस्ट्री की बातें हैं, ये वहीं रहेंगी, बस पर्सपेक्टिव्स बदलते रहेंगे। और यहां पे मुद्दा वॉज देयर का नहीं था कभी, मुद्दा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 का, जब बाबरी ढांचा गिराया गया था उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 निकाला था, जो कहता है कि आजादी के समय पर 1947 में जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनका जो प्रारूप है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अभी जब सर्वे आएगा कोई कहेगा मंदिर है, कोई कहेगा मस्जिद है, बट सवाल यही है कि क्या लीगैलिटी को ध्यान रख के, क्या कानून के दायरे में आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो? क्योंकि रिमेंबर, याद, राम मंदिर हो या ज्ञानवापी मस्जिद हो, हिंदू मुस्लिम के संवेदनाओं से, चेतनाओं से, सेंटिमेंट से नहीं, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर उसका हल निकालना पड़ेगा, तभी एएसआई और कोर्ट्स में मामला चल रहा है, वरना मीडिया ट्रायल से कब का खत्म कर दिया होता। ओके, अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हाल ही में एक ओपन हाउस कमीशन रखा था जिसमें इदाती कमीशन की रिपोर्ट की जो गाइडलाइंस है उनको इंप्लीमेंट करने की बात हुई। ओके, आई नो, गॉट वेरी कंफ्यूजिंग, समझाता हूं। यानी कि मोटा मोटा ये कहा गया है कि एक परमानेंट कमीशन सेटअप किया जाए NT, DNT और SNT ट्राइब्स के लिए, यानी कि नोमैडिक, सेमी नोमैडिक और डी नोटिफाइड ट्राइब्स। और इस मुद्दे को समझने के लिए ये समझ लो कि हमारा देश ना काफी वास्ट है, बहुत सारे कल्चर्स के लोग, बहुत सारे ट्राइबल्स, बहुत सारी जनजातियां हैं जो हमारे देश में रहती हैं, कहीं मध्य प्रदेश के भाई किसी नेशनल रिजर्व में, कोई कहीं गांव है जहां पे रोडी नहीं पहुंचे अभी तक, वहां पे भी रह रहे हैं, उड़ीसा में भी हैं, कहीं फिर नॉर्थ ईस्ट में, वहां भी कई सारी जनजातीय समूह। तो ऐसे जो ट्राइबल्स हैं, ऐसी जो कम्युनिटीज में बहुत है, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके रिजर्वेशंस के थ्रू उनको मेनस्ट्रीम में ला पाए हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको अभी तक हम क्लासिफाई नहीं कर पाए, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और इनको कहते हैं अधिसूचित जनजातियां। और एक दो नहीं, ऐसी हजारों कम्युनिटीज हैं, कुछ नोमैडिक्स भी होते हैं, मतलब बंजारे जो ट्रैवल करते रहते हैं, उनका कोई फिक्स जगह ही नहीं है, तो बहुत ज्यादा पिछड़े रह गए हैं। अब इनको क्लासिफाई करके इनको मेनस्ट्रीम में लाना है, इसी के लिए इदाती कमीशन बनाई थी। उन्होंने कहा था कि आप अलग से कमीशन सेटअप करो जो इन सब पे काम करे, क्योंकि इनको अगर मेनस्ट्रीम में लाना है तो इन पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। अच्छा चलो, अब आपको एक डेटा लीक के बारे में बता दूं जो इतना बड़ा है कि उसको फोर्ब्स मदर ऑफ ऑल ब्रीचेस कह रहा है, मतलब इतना बड़ा लीक कि उसको मदर ऑफ ऑल ब्रीचेस कहा जा रहा है। 26 बिलियन रिकॉर्ड्स हैं जो ट्विटर, लिंक्डइन, ड्रॉपबॉक्स जैसी वेबसाइट से लीक हो गए हैं। इनफैक्ट ये डेटा सेट इतना बड़ा है कि इसका साइज 12 TB का है, 12 TB। अब ये डेटा लीक हुआ है, ऐसे क्या हो सकता है भाई, आप कंप्यूटर के हैं तो आप जानते ही होंगे, फिजिंग हो सकती है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह वगैरह। बट अगर आप मेरी तरह कंप्यूटर में डब्बा खोलें तो बस इतना समझ लो कि इन सब चीजों को आप अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये बड़े बड़े लेवल पे बातें होती हैं, और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि गूगल को या एप्पल को या लिंक्डइन को यूज करना छोड़ दो, आपको यूज करना पड़ेगा, इनको अपना डेटा देना पड़ेगा, और आगे जाके लीक हो जाए तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, अपने एंड से अपनी डिवाइसेस को लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट पर रखो, इतना मुझे समझ में आता है। बाकी अगर आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, #dataleak लिखकर जरूर बताइए कि कैसे हम अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। ओके, फॉर द थर्ड एपिसोड इन अ रो, लेट्स टॉक अबाउट फूड। टेस्ट एटलस ने एक और लिस्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया भर में जितनी भी सिटीज है उसको खाने के मामले में क्लासिफाई किया है, और इन टर्म्स ऑफ फूड वर्ल्ड की सबसे टॉप 100 सिटीज निकाली हैं। पहले बता देता हूं कौन सी सिटीज हैं। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई और लखनऊ, ये ऐसी सिटीज हैं जो बेस्ट फूड सिटीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आई हुई है। मुंबई है 35th स्पॉट पे, हैदराबाद है 39th स्पॉट पे, दिल्ली 56th स्पॉट पे है, वैसे 56 नाम है तो इंदौर को होना चाहिए था, बट चेन्नई है 65th पे और लखनऊ 92nd स्पॉट पे है। एंड देखो, न्यूज आई थी तो मैंने आपके सामने रख दी, बट पर्सनली मुझे इस लिस्ट पे घंटा विश्वास नहीं है। अंग्रेजों ने बनाई है और हमारे देश की जितनी डिशेज हैं आधी क्या ये लोग 90% ट्राई भी नहीं कर पाए होंगे, तो उसको क्या रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, ये तो बड़ी बड़ी सिटी है, एमलगेमेशन है कल्चर्स का, तो आपको बहुत सारे डिशेज मिल जाते हैं, बट हर स्टेट का अपना एक फूड है। जैसे कि राजस्थान में हल्दी की सब्जी बनती है, एक ही डिश को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज करके खाया जाता है, जैसे कि इंदौर में पोहा जलेबी खाई जाती है, लेकिन फिर नागपुर में जाओगे तो तरी पोहा खाया जाता है, मध्य प्रदेश में सेव पूरी खाई जाती है, महाराष्ट्र में उसी में अगर आप थोड़ा मीठा मिला दोगे तो पूरन पूरी बन जाती है। अगर स्नैक्स पे आते तो गुजरात तो नंबर वन है, फाफड़ा, खाकड़ा, गाठिया, थेपला और पता नहीं क्या क्या। यूपी का समोसा फेमस है, राजस्थान की कचौड़ी फेमस है, कहीं इडली है, कहीं सांबर है, कहीं डोसा है, कहीं मिसल पाव है, और नॉनवेज पे तो अभी मैं आ भी नहीं रहा, कहीं चिकन टिक्का मसाला है, कहीं बटर चिकन है, कहीं रोटी की कितनी वैरायटी है यार, प्लेन रोटी, तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी, मिस्सी रोटी, नान, बटर नान, गार्लिक नान, प्लेन भी है, मसाला भी है। देखो, मैं नहीं चाहता कि आगे का एपिसोड मैं ऐसे खाना खाते खाते करूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना संडे शो कुकरी शो हो जाएगा, अभी जोमेटो खोलूंगा, कुछ ऑर्डर करूंगा और ऐसे खाते खाते तुम लोग को न्यूज सुनाऊंगा, चिढ़ाऊंगा अलग। मम्मी 4-5 पापड़ और दे देना चावल के साथ।
ओके, आखिरी न्यूज जनरल नॉलेज वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कभी भी आ सकती है। बिहार की एक महान शख्सियत है जिनको इस हफ्ते भारत रत्न से नवाजा गया है और वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। बिहार के फॉर्मर सीएम कर्पूरी ठाकुर को इस हफ्ते भारत रत्न दिया गया, जो कहा जा रहा है कि बीजेपी का एक मूव है जिससे वो ओबीसी वोट्स अपनी तरफ खींच सके। बट कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपको जानना जरूरी है, बिहार के पॉलिटिक्स के बहुत ही दिग्गज नेता जिन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स ही पूरी बदल दी। ये बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, पहले फ्रीडम फाइटर थे, फिर जेपी नारायण के साथ इमरजेंसी में उन्होंने काफी लड़ा था। एक बहुत ही बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, ओबीसी समुदाय को मेन स्ट्रीम में लेके आए थे। आजकल के जो बिहार के लीडर है ना, नीतीश लालू, ये उनके भी गुरु थे। पहले देश के एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, बाद में दो टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे। उस टाइम पे जब मंडल कमीशन भी नहीं आया था, उसके पहले ओबीसी कम्युनिटी के लिए 26% रिजर्वेशन लाए थे। इन्होंने कहा था कुछ एक्सट्रीम बैकवर्ड होते हैं, कुछ बैकवर्ड होते हैं, उतनी नॉलेज नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, ये जरूर मान सकते हो आप कि बिहार के पॉलिटिक्स के एक बहुत ही दिग्गज नेता, एक बहुत ही बड़े सोशलिस्ट लीडर, और बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत हद तक चेंज किया इन्होंने, इसलिए इनको जननायक भी कहा जाता है। अच्छा, एक और सीक्रेट, ये 70s के टाइम के लीडर है, तो तब की बात है जब शायद मेरे पिताजी भी वोटर नहीं थे। तो अभी ऑब्वियसली मैंने आपको जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी ऐसी एक्सपर्ट की तरह बातें बता दी, मैंने आर्टिकल पढ़ पढ़ के बताई है, मेरे को कुछ नहीं पता था। स्पेलिंग द सीक्रेट्स, सॉरी फॉर ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल दिस टाइम। अगर आपको ये सारी न्यूज पसंद आती हैं और आपको ये कहीं और नहीं मिलती, तो इनको हम अपने न्यूज लेटर में भी कवर करते हैं। हमारा सभा पत्र होता है जिसमें हफ्ते की सारी खबर, सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, सारी वायरल वीडियोस हम लाते हैं अपने एक न्यूज लेटर में, जिसमें हफ्ते की सारी खबर होती है, जस्ट लाइक अ संडे शो बट इन अ पीडीएफ फॉर्मेट। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो ज्यादा न्यूज फॉलो नहीं करता, न्यूज की बकैती से परेशान होने की वजह से न्यूज फॉलो नहीं करता, या आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सभा पत्र आपको इन सब चीज में बहुत हेल्प करेगा। और सबका खर्चा, बार बार बोल रहा हूं, कचड़ा सेट के भाव में मिलता है, यानी कि महीने के 150 रुपए से भी कम में ये न्यूज़लेटर सीधा डिलीवर होता है आपके व्हाट्सएप पर। और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें स्कीम के तहत, इस हफ्ते का सभा पत्र आपको एकदम फ्री मिलेगा। कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां जाके आप इस हफ्ते का न्यूज़लेटर, हमारा सभा पत्र पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ को आसान बना रहा है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिल रही है, वो भी बिना टॉक्सिसिटी के, सिंपल तरीके से, और जब आप सेटिस्फाई हो जाए तब जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो संडे शो देखने के बाद सभा पत्र पढ़ना मत भूलना, पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। और जनाब क्या चल रहा है? शेयर बाजार में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई एंड डिस्क्लेमर अलर्ट, काफी ज्यादा विचलित कर देने वाली है। हरिद्वार का मामला है जहां पर एक 7 साल के बच्चे की हर की पौड़ी घाट पर मौत हो गई। बता दूं कि ये लड़का ब्लड कैंसर से पीड़ित था, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था, लेकिन ये अपनी बीमारी से नहीं मरा। अगर हो पाता तो थोड़ा और जीता। अगर इसके माँ बाप को कैंसर से भी और भयानक बीमारी नहीं होती, अंधविश्वास की बीमारी। बच्चा कैंसर से पीड़ित था, गंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि अब कोई चांस नहीं है। तो परिवार वाले सीधे दिल्ली से उसको हरिद्वार ले, बोले कि गंगा में डुबकी लगाएंगे और जब डुबकी लगाएंगे तो भाई कोई मिरेकल होगा और वो ठीक हो जाएगा। इसी को लेकर 7-8 मिनट तक बच्चे की मासी ने बच्चे को पानी में डुबाए रखा, उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे की मौत अनीमिया से हुई और कुछ लोग डूबना उसकी मौत का कारण बता रहे हैं। खैर, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, देश में ज्यादा लोग सुनना नहीं चाहते। देखिए, भक्ति अंधभक्ति, श्रद्धा और अंधकार, विश्वास और अंधविश्वास, इसमें एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। अंधविश्वास लगती छोटी है बट एक बहुत बड़ी बीमारी है। सबके रिलीजन में कोई ना कोई ऐसी मान्यताएं हैं जो लॉजिकल उतनी नहीं लगती, लेकिन वही ना कहते हैं कि कुछ रिश्तों में लॉजिक नहीं मैजिक होता है, तो ठीक है ले लो डिस्काउंट, है कर लो चप्पल सीधी, लगा लो आंखों में सूरमा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपकी मान्यता, आपकी विश्वास अनसाइंटिफिक हो जाए, वो विज्ञान से भी ऊपर जाने लगे, तो कुछ सुपरनेचुरल नहीं है, सुपरस्टिशन है। साइंटिफिक टेंपर इंसानों को दिया गया ऊपर वाले का सबसे बड़ा वरदान है। तो कभी भी कोई ऐसी ट्रेडिशन या प्रैक्टिस हो तो सवाल करो उससे कि क्या होगा उससे, है ना। समझो, अगर लग रहा है कि ठीक है तो कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हाथ जोड़ो और पैरों से कट लो। नॉनसेंस। पहली नॉनसेंस न्यूज सुनो कोलकाता से। कोलकाता बहुत बुरा काटा। हुआ क्या कि एक व्यक्ति वहां पे धर्मेंद्र माफिक ब्रिज पे चढ़ गया, बोला कि मेरा एक बिजनेस है और मेरे को बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, यहीं से कूद के मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड। वहां पे पुलिस ने रोकने की कोशिश की और बोला कि अरे लॉस हुआ कोई बात नहीं, इतनी सी बात, तुमको एक काम करेंगे, हम नौकरी दिला देंगे। तो आदमी ने बोला उससे मेरा क्या फायदा, नौकरी से मेरा पेट थोड़ी बढ़ेगा। तो पुलिस ने बोला ठीक है, बिरयानी भी दे देंगे खाने के लिए। तो आदमी ने बोला क्या बदतमीजी है, तुम क्या परिस्थितियों का मजाक उड़ा रहे हो मेरे, मैं सीधा यहाँ से नीचे आता हूँ, जोमैटो से जल्दी ऑर्डर कर दो। अरे एक प्लेट बिरयानी दो यार। हाँ, कोलकाता पुलिस ने बिरयानी का लालच देके सुसाइड रोक लिया। कमेंट पढ़ाता हूँ लोगों के। इब्राहिम बोलते हैं मैन लॉस्ट होप, मैन ईट बिरयानी, मैन हैप्पी।
सिंपल भाई, आदमी बहुत सिंपल चीज है, जबरदस्ती सख्त लौंडा कर रखा है, बिरयानी पे पिघल जाता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। एम्प्टी लाइफ, बिरयानी कम, लाइफ रिवर्स गियर, पुलिस वन द मैन वन, इक्वालिटी डील। सही बात है भाई, इनका लॉ एंड ऑर्डर बच गया, उसको बिरयानी मिल गई। बिरयानी बिकम्स अ सीवियर, हु सेज बॉयज डोंट मेल्ट इजीली, जस्ट ऑफर देम बिरयानी। इतनी सिंपल बात लड़कियां नहीं समझती। बिरयानी इज इक्वल टू 7 थाला फॉर अ रीजन। कोलकाता बिरयानी सुप्रीमेसी नहीं, इस बात से तो राजी नहीं हूं, इस बात से सहमत नहीं हूं, तुम उसको कुदा दो या ट्रेन के सामने फेंक दो, बिरयानी तो हैदराबाद की बेस्ट रहेगी। अगली नॉनसेंस न्यूज़ के लिए चलते हैं पंजाब में, जहां पर भटिंडा में एक मुर्गे को बकरा बनाया गया। हुआ क्या कि भटिंडा में पुलिस को खबर मिली कि वहां पे कॉक फाइट हो रहा है, वो जो तुम सोच रहे हो वाला नहीं, मुर्गी की लड़ाई हो रही है। अब वैसे तो जो मुर्गी की लड़ाई का एक खेल है, दो मुर्गों को तब तक लड़ाया जाता है जब तक कोई एक जीत ना जाए, एक मर ना जाए। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल एक्ट के तहत इंडिया में ये बैन है, बट फिर भी कई सारी ऐसी जगह है जहां चुपके चुपके से गांव देहात में चलता है, खासकर आंध्र प्रदेश में। आंध्र में जाओगे तो आप ज्यादा होता है। खैर, भटिंडा में ये कॉक फाइट, मुर्गे की लड़ाई चल रही थी जब पुलिस ने वहां पे रेड मार, तो जो लड़ाई करवा रहे थे वो तो भाग गए, मुर्गे को छोड़ गए। हाँ, मुर्गे को बलि का बकरा बना दिया, लेकिन पुलिस और सौंडी, उन्होंने केस प्रॉपर्टी के तौर पर मुर्गे को अरेस्ट कर लिया। और अब मुर्गे को पुलिस रखी है और मुर्गे की कोर्ट में पेशी करेगी। हेडलाइन रीड, पुलिस हिरासत में मुर्गा, तारीख पर होगी कोर्ट में पेशी। भोपाल में एक नई नवेली शादी के बाद महिला ने पति से डाइवोर्स के लिए फाइल किया है, क्योंकि पति देव हनीमून में गोवा के सपने दिखाकर उनको अयोध्या काशी ले गए। हैं? ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पत्नी बेचारी बोली कि हमारा तो हनीमून खराब हो गया। बोली कि पति हमारा झूठा है, मक्कार है, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। पहले बोला मालदीव चलेंगे, तो वहाँ मोदी जी ने प्लान खराब कर दिया। फिर गोवा डिसाइड हुआ, तो ये आदमी राम जी का बहाना लगा के अयोध्या ले गया। मैं बीच पे बिकिनी शूट प्लान कर रही थी, इसने चुन्नी पहनाकर मुझे गंगा घाट पे खड़ा कर दिया। अब अगर चुप रहूं तो लोग गधी बोलेंगे, और कुछ बोल दूं तो हिंदू विरोधी। मैं तो फंस गई हूं जज साहब, मुझे डाइवोर्स दिला दो। अब कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो तो ठीक, लेकिन सोशल मीडिया की अदालत में क्या दलीलें दी गई? किंग यू ड्रॉप दिस, दैट मैन डिजर्व्स अ क्वीन, गॉड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम दैट वुमन, ग्रेट, भगवान सेव्ड हिम फ्रॉम अ वाइफ लाइक हर। ऐसी वाइफ को डिवोर्स देने में कैसी शर्म? रोहित परमार भाई, तुम तो बेशरम आदमी हो। लेट्स होप शी डिडंट आस्क हाफ प्रॉपर्टी इन एलिमनी, मर्द का दर्द। एंड मुझे लगता है कि बंदी ना थोड़ी ओवर रिएक्ट कर गई। ठीक है, गोवा नहीं ले गया, बट बनारस अपने आप में कितनी खूबसूरत जगह है। बढ़िया सुबह का चौड़ी खाओ, घाट पे बैठ के चाय पियो, मजे ही मजे। कोई काम धाम नहीं, गलियों में घूमो, बीएचयू कैंपस में बीटी पे कोल्ड कॉफी पियो, मजे ही मजे। सुबह घाट पे डुबकी, रात को उसी घाट पे आरती, मजे ही मजे, कोई काम धाम नहीं। खैर, आप देखते हैं इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज ऑफ द वीक। देखो, पिछले हफ्ते 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, कई लोग इसमें खुश थे, लेकिन कई लोग नाखुश भी थे। उनको लग रहा था कि राम मंदिर समय के पहले करना एक पॉलिटिकल गिमिक है। सुनो, राम नवमी के दिन ही राम का बहुत बड़ा महोत्सव होते आया। हमारे यहाँ जो पोद्दारेश्वर राम मंदिर है, उसकी जो यात्रा निकलती है राम नवमी के ही दिन निकलती है, और इस साल राम नवमी 17 अप्रैल को है। 4 महीने पहले करने की क्या वजह थी? टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है, अभी चुनाव है, इसलिए अभी इतने शंकराचार्य ने विरोध किया, 4 लोग का, उनका भी तो टेक्निकली सही था ना, अगर धर्म का विचार करे तो। लेकिन ये इतने जल्दी करने की घाई इसलिए क्योंकि अभी चुनाव है, सीधी सिंपल बात। हाँ, लेकिन 22 तारीख को एक और ऐसी न्यूज थी जो सबके लिए अच्छी थी, और वो ये कि प्रधानमंत्री ने पीएम सूर्योदय योजना अनाउंस की है, जिसके तहत 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप्स लगाए जाएंगे। और हमारा देश सोलर एनर्जी में काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है। जो टोटल एनर्जी जनरेशन है उसमें सोलर एनर्जी का शेयर सिर्फ 1% था 2017 में, जो अभी अब आते आते 5% हो गया है। और 2035 या 2032 तक हमारा ये टारगेट है कि हम जो टोटल एनर्जी है हमारी उसमें से 2/3 रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लाएंगे, यानी कि सोलर एनर्जी, वीड एनर्जी। और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के भी टारगेट्स हैं उसमें इंडिया ने कहा है कि 2070 तक हम नेट जीरो भी चले जाएंगे। कहने का मतलब बेसिकली है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोलर के, विंड के शेयर्स वगैरह उठा लो, बहुत फायदा है, मजे ही मजे। पैसा ही पैसा हो गया। और अब हफ्ते के सबसे वायरल मीम्स रिव्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट संडे सभा। इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े, मोदी बस। हाँ, ये आदमी आया ही फ्रस्ट्रेटेड था बहुत ज्यादा, इसको अगर कैमरा वाला देख के उसने बाइट दे दी, कोई और मिलता थप्पड़ थप्पड़ मार देता उसको। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? हम कहते हैं क्या हो तुम? तू कौन है? आज हम कहते तू क्या है बे? मस्ती फ्लेवर्ड कॉन्डम्स बनो एकदम। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कॉमेंट पढ़ते हैं, इस देश में हम खड़े हैं क्यों खड़े हैं? ग्रेविटी नहीं, मोदी। नौकरी मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है। When someone asks क्या हो तुम, just say तू क्या है बे, and अब मिलो रिश्तेदारों, अब मिलो शादी पे। हाँ जी बताएं। गुरुजी मेरे हार्निया की समस्या है नाभि के ऊपर। कितने समय से? 2 साल हो गए हैं। आपको? हाँ जी। हाथ जोड़ो, बोलो बगला मुखी मैया की जय। बगला मुखी मैया की जय। चेक करो हार्निया को,
सा है, हल्का सा, खत्म कर दे इसको। हाँ जी ठीक है, हाथ जोड़ो, बोलो बगला मुखी मैया की जय। माइक वाला काम नहीं कर रहा, माइक लगाओ। बगला मुखी मैया की जय। एक बार और बोलो, बगला मुखी मैया की जय। चेक करो बहन तो माइक, अरे अब सही है, खत्म बोलने लगी। अगेन तुम देख रहे हो कि कितने लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है कि हाँ वो है, बोलो बगला मुखी मैया की जय तो ठीक हो जाएगा। और ये ऐसी क्लिप्स है, ऐसा भी हो सकता है औरत प्लांटेड हो, इनको देख के कई सारे हजारों लाखों लोग और आएंगे बेवकूफ बनने। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? टप्पू के पैदा होने के पहले दया जेठालाल को क्या कहकर बुलाती होगी? गुड क्वेश्चन, लेट्स लुक एट द आंसर्स। सुंदर के जीजा जी, दया की माँ ने कुछ नाम दिया होगा। ये बताओ जेठालाल पैसे वाला होकर भी ऑटो से क्यों जाता था? ये बात तो सही है, कम से कम एक गाड़ी तो लेनी चाहिए थी उसको। Nonsense. Girls, we don't know each other. How can I ask her to visit my place? Yeah, you're right. Boys, भाई 1000 रुपए लेके आइयो, 7 up पिला दूंगा। हेलो, हाँ विराट भाई, यार ये पटेल पाड़े पे हमारी सीरीज है, तुम और उसको उसको लेके आ जाओ पांडिया को। यार एक ऑलराउंडर चाहिए और एक बैट्समैन चाहिए, आ जाओ तुम्हें 7 up की बोतल पिला दूंगा। यार विराट भाई आना लाजमी, 7 up की बोतल पिलाऊंगा मैं वापसी में तुम्हें, अगर जीतेंगे तो। अगर जीतेंगे तो पहले उसने क्लियर कर दिया, उसने दो तीन, एक मेरे कई सारे सवाल है, ये नहीं पूछा यार कि रोहित भाई को लेके आना कि नहीं, रोहित भाई को यहाँ भी ड्रॉप कर दिया गया। ये भगवान क्या जुलूम है, तभी नहीं खेले यार दो T20 अभी देखो कहीं मिलेंगे डोंगरी ओंगरी पे खेलते हुए विराट भाई 7 up पीते हुए। हम लोग को बोल रहे हैं कि हाँ बहुत हेल्दी रहो, तुम लोग के साथ 7 up पी रहे हैं। अबे साले, स्कूल प्रेयर असेंबली, रैंडम किड ऑन द ग्राउंड। ये हर जगह चलती हुई प्रथा है कि कोई ना कोई ग्राउंड में एक बच्चा बेहोश हो जाता था। ठीक है, मैं तो छोटी हाइट का हूं तो मैं आगे खड़ा होता था, तो मेरे साथ ऐसा होता कि पीछे कोई गिर गया है, फिर उस मृत आदमी को लेके जाते थे 6-7 लड़के वापस। आजकल के स्कूल्स में नहीं होती, अब तो एसी स्कूल हो गए ना, तो असेंबली जलवा है हमारा। अरे यार तुम चला बोल लो जरा इनके घर पे, मोटा भाई चिंता नहीं, इनकी क्रोनोलॉजी बिगाड़ दो। उस गाड़ी में कितने लोग आ सकते हैं? गाड़ी में एक आ सकता है क्योंकि फॉर्मूला स्टाइल का है। एक आ सकता है। बिल्कुल। अच्छा अभी अभी जो शुरुआत किया है वो आपने एक से की, छोटी गाड़ी? नहीं बेसिकली मैम ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है रेसिंग कार है, तो उसमें एक ही बंदा होता है। अच्छा अभी अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने, अभी एक्सपेरिमेंट किया है या गाड़ी को? इट्स द फॉर्मूला स्टूडेंट कार, जो फॉर्मूला कार होती है उसमें एक ही बंदा होता है। हां जस्ट द रेस कार इज द रेस। सही है दीदी, कभी स्कॉर्पियो में नहीं बैठी वरना कहती डंक मारती है ये कि नहीं मारती। स्टीरियोटाइप्स आर देयर फॉर अ रीजन। अभी बोल रहे कि लड़की अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाती, वो फॉर्मूला वन को कह रही है फॉर्मूला बना, गाड़ी नहीं बनी अभी तक। तुम सोचो उन लॉन्डो की क्या हालत रही होगी भाई, वो कैसे एक्सप्लेन करे बिना बेइज्जती किए। वो फिर भी इतना तमीज से समझा रहे कि नहीं मैडम गाड़ी है, अच्छा फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूला है। दुकान से गलत सामान ले आया, अब मम्मी चेंज करवाने भेज रही है। होता था यार, नहीं जाया जाता था, अपनी थोड़ा सा अपन को शर्म आती थी क्योंकि दुकानदार फुटकार के भगा देता था ना। शर्म तो आती थी, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है दाल के अंदर कि घर पे बोलिए धुली को, वहां पे जाके नया मसूर। दोनों अलग-अलग होते हैं क्या? लॉर्ड एंड लॉर्ड एडविन नोटिस समवन इज ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ। कपड़ा ओ गांधी जी हु मी नो जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन बुरी तरह फंसोगे। यू ओनली थिंक बियर गिल सर्वाइव विदाउट ईटिंग फॉर डेज, मीनवाइल अजय देवगन तुम आज कैंडल लाइट लंच कर लो। नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूं, गुटका खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। बोलो सुभा केसरी। बोलो सुभा। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? बीए फाइनल ईयर। क्या सब्जेक्ट है? हिंदी संस्कृत हिस्ट्री। हिंदी संस्कृत और हिस्ट्री, क्या पढ़ाई करते हो तुम? बीए सेकंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? बीए। अरे सब्जेक्ट होगा ना बीए में कोई? प्लेन बीए प्लेन। हाँ बताया उसे, प्लेन भी है, मसाला भी है, बटर मसाला भी है, बटर प्लेन भी है। अब ये जर्नलिस्ट नहीं समझ पाया उसमें उसकी का बच्चे की क्या गलती है, कल जाके तुम डोसा बोलोगे तो बताना पड़ता ना कि प्लेन डोसा है मसाला डोसा। ऐसी कुछ हालत अब एजुकेशन की हो गई है। प्लेन बीए कर रहे हैं, बताओ बीए कर रहे हैं, पता ही नहीं है कौन सा बीए कर रहे हैं। व्हाट्सएप से जब एजुकेशन लेनी है तो फिर कॉलेज पर ध्यान क्यों दे? एजुकेशन की हालत अब कुछ ऐसी ही हो गई है। बीए करके लोग अपनी बेइज्जती कराते हैं और एमबीए करके चाय बेचते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? तो ये थे इस हफ्ते के मीम्स और ये था इस हफ्ते का एपिसोड। जाने से पहले ध्यान रखिएगा कि आपको हमारी संडे भारत जर्नी फॉलो करनी है, उसमें बहुत सारी वीडियोस निकाल रहे हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक सामने लेके आ रहे हैं।
इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, कुछ वीडियोस ये रही, दीज आर गुड प्लेस टू स्टार्ट, आप कोई सी भी वीडियोस में देख सकते हो, और आने वाले टाइम में संडे भारत सीरीज की वीडियोस देखना मत भूलना। अगर वो नहीं देख रहे हो तो संडे शो में तो हम मिलेंगे ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, शब बखैर, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।